तो यार आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि अगर हमें एक बार एनआईटी मिल गया, एक बार हम एनआईटी के अंदर आ गए तो हमारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, कोई भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सब कुछ इजी हो जाएगा हमारे लिए, एकदम सिंपल हो जाएगा, लाखों के पैकेज मिलेंगे, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। तो हमारे मन में हमेशा ये बात रहती है ना, जब हम किसी एनआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये चीज हमारे दिमाग में चलती ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये एक्सपेक्टेशंस है आपकी, तो ये रियल है भी या नहीं, तो हम इसी पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी क्या है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और इसके लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे, तो मैं वहीं से क्वेश्चन पिक करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा तो ऐसी पोस्ट डालता रहूंगा जिससे आप क्वेश्चन पूछेंगे और उसको मैं आपको आंसर करूंगा, है ना। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को पिक करेंगे और उनको मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो मेरा नाम है हासिब और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी इन एनआईटीज। तो यार अमन ने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई हैं, पैसा, बेलपियर्स एंड कनेक्शन, तो तीनों पर अपन एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पैसे के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर आप एनआईटीज में आ गए, है ना, तो 50-60 लाख का पैकेज तो आराम से मिल जाएगा, लाखों में तो आप आराम से ही पैसे छापेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, देखो बहुत सारे आपको कोचिंग्स भी ऐसे बताती हैं कि आपको अगर एनआईटी मिल गया तो 50-60 लाख का पैकेज तो आराम से मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, है ना। अगर आपकी क्लास में 110-120 बच्चे हैं तो उनमें से मैक्स टू मैक्स 10 से 15 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको 40 लाख के ऊपर पैकेज मिल रहा हो, वरना 50 लाख के अंदर ही मिलता है, इसके ऊपर बहुत ही रेयर केस में जाता है ना। अभी जब मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे हैं तो अभी किसी का 45 प्लस भी नहीं लगा हुआ है ना, 45 के नीचे ही है ना, और 40 के ऊपर कुछ 5-6 बच्चे ही हैं, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, मतलब अभी पता भी नहीं चला। जब 100% प्लेसमेंट हो जाएंगे ना तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्लेसमेंट बाकी होते कैसे, मैं और भी कॉलेज के पिक करूंगा, तिरछी, सूरत, कल के वहां के बच्चों से बात करके कि कितना एक्चुअल में प्लेसमेंट हुआ, कितना पैकेज लोगों को मिले, हाईएस्ट लोएस्ट, सारी बातें करूंगा। लेकिन अभी सभी के 100% प्लेसमेंट नहीं हुए कॉलेजेस में, तो इसलिए इस पर अभी बात नहीं करते। लेकिन आप मोटा मोटा इतना जान लो कि मैक्स टू मैक्स आपका 50 लाख के अंदर ही रहता है ना, और मिनिमम 8 से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है कि कहीं कहीं 7 लाख मिनिमम होता है, ये ऐसा होता है, लेकिन एवरेज 10 से 12 लाख ही मिल रहा होता है, वो भी सीटीसी होता है, तो उसमें भी कुछ पैसे काटे जाते हैं फिर, है ना। तो उस पर अपन बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आप ये जान लो कि पैसे की बारिश तो नहीं होने वाली कम से कम, और आपको 50-60 लाख ऐसे तो नहीं मिलने वाले बिल्कुल, 12-15 लाख इतने आराम से मिल जाएंगे ना। और उसके बाद अपन बात करते हैं बेल पियर्स एंड कनेक्शंस। देखो यार आपको यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, काफी ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, सभी को जॉब नहीं चाहिए, कुछ और जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग मिलेंगे, कनेक्शंस होंगे। देखो अगर आप जितने अच्छे से फ्रेंड बनाते हैं, जितने लॉन्ग टर्म में अपनी फ्रेंडशिप लेके जाते हैं, तो आपको काफी सारे दोस्त आपके लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेंगे और अलग अलग फील्ड में जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हाँ, कनेक्शंस मिलते हैं, बेल पियर्स मिलते हैं। उसके बाद हाजिक की एक्सपेक्टेशंस है, सबसे पहली इलाइट कॉलेज लाइफ। तो यार कॉलेज लाइफ ठीक होती है, देखो यार मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देखो जब आप बाहर से देखते हैं ना किसी चीज को, तो आपको बहुत अच्छी लगती है, वही बात है कि दूर के ढोल सुहाने, तो बाहर से बहुत अच्छी लगती है कॉलेज लाइफ होगी, लेकिन आप जब यहाँ रुकते हो तो 2-3 महीने के बाद वही लगने लगता है कि वही चल रहा है यार डेली की डेली, मतलब कॉलेज लाइफ वही, हॉस्टल में रह रहे हो आप, घूमने जा रहे हो दोस्तों के साथ, तो मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे वो नहीं लगता, लेकिन ठीक है अगर आप पहली बार हॉस्टल्स में रह रहे हैं, मतलब घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वही नॉर्मल लगने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद दूसरी एक्सपेक्टेशन है इनकी जीएफ, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, फ्रेंड सर्कल ईटीसी। तो यार उसके लिए भी वही है, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, तो जीएफ मिलेगी। अगर आप तो उसके लिए कॉलेज की क्या जरूरत है, वो तो आपको ऐसे भी मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर रेशियो कुछ ज्यादा ही बेकार है, तो इस वजह से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, है ना। तो ठीक है, जीएफ वगैरह के लिए तो आप अपना देख लो, काफी आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड सर्कल, ठीक है वो मैंने आपको भी बताया। उसके बाद तीसरा है इवेंट, फंक्शंस और पार्टीज। तो इवेंट्स यार होते रहते हैं, काफी सारे फेस्ट होंगे, काफी सारे फंक्शंस होंगे, पार्टीज भी होती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है चौथा स्टडी एंड हायर प्लेसमेंट। तो यार स्टडी के लिए आपको खुद से ही बहुत पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा आप कॉलेज पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कॉलेज केवल आपको अकेडमिक्स का पढ़ाएगा, प्लेसमेंट के लिए आपको खुद ही पढ़ना है,
है ना, और हायर प्लेसमेंट इस पर मैंने अभी बात की ही है, ठीक है। तो स्टडी के लिए आपको खुद पढ़ना है, कोई भी कॉलेज आपको नहीं पढ़ा कर देगा कि बिल्कुल बना कर दे दे प्लेसमेंट के लिए कि आप रेडी हो, बिल्कुल आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, कोर्स लेकर पढ़ना पड़ेगा, है ना। केवल अकेडमिक्स के लिए पढ़ाएंगे, वो भी आपको 2 दिन पहले यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो आपको खुद ही पढ़ना है, कॉलेज आपको नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं शौनक की एक्सपेक्टेशंस हैं ब्यूटीफुल कैंपस, तो वो भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से आ रहे हैं तो आपको यहाँ के कैंपस अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप कोई DU वगैरह से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं, तो आपको मतलब नॉर्मली लगने वाले हैं। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है कि आप बिल्कुल हाइप बना देंगे, बहुत खतरनाक कैंपस। उसके बाद इनकी अगली एक्सपेक्टेशन है गेट मोर करियर अपॉर्चुनिटीज देन अदर कॉलेज यूनिवर्सिटीज, फिर वो भी डिपेंड करता है कि आप ऐसे कॉलेज से आ रहे हैं Tier 2 या Tier 3 कॉलेज है जहाँ पर कंपनीज नहीं आती, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएंगी, मतलब कंपनीज ज्यादा आ जाएंगी, है ना, कि बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, तो जहाँ पर आप इंटरव्यूज भी देंगे, आपके कोडिंग राउंड भी होंगे, तो यहाँ पर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी क्योंकि कंपनीज आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप NIT में आ गए तो आपको यहीं मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, दूसरी जगह कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन Tier 3 कॉलेजेस से होकर भी लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं जो यहाँ से नहीं जा पाते। मतलब सब डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, जितना आपको आपकी स्किल्स हैं, आपको जितना आता है उसी के बेसिस पर आप आगे जाएंगे, केवल कॉलेज मिलने से आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट में नहीं चले जाते। उसके बाद बात करते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन, तो भैया ये इतना सफेद झूठ है जिसको आप अभी स्वीकार कर लो, कॉलेज आपको कुछ नहीं पढ़ा के देने वाला है ना। कॉलेज में आपको केवल एकेडमिक्स का पढ़ाया जाएगा, वो भी ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको 2 दिन पहले एग्जाम के पढ़ना यूट्यूब से ही पड़ेगा। तो क्वालिटी एजुकेशन तो रहने ही दो, इसकी एक्सपेक्टेशंस आप रखना भी मत, है ना। केवल क्लासें आपकी अटेंडेंस के लिए होंगी, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद इनकी अगली एक्सपेक्टेशन है गेट वेरी हाई पैकेज देन अदर इंजीनियर कॉलेज, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया। उसके बाद है अमन जी का, उन्होंने बोला है कि प्लेसमेंट पे फुल वीडियो वो हम बना देंगे, जैसे ही हमारे यहाँ के 100% प्लेसमेंट हो जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड मुझे मिल जाता है, उसके बाद में इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यार अगला क्वेश्चन है देव पलवार की तरफ से, इज देयर एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट MCA स्टूडेंट्स। तो यार BTech के स्टूडेंट्स भी होते हैं NITs में और MCA के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो MCA के बच्चों को क्या कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपेयर करें अगर हम BTech वालों से, तो बिल्कुल कम मिलती है। तो अगर देखो इंटर्नशिप में देखा जाए ना, तो बहुत अगर 10 कंपनी भी आ रही है ना, तो केवल 2 कंपनी ऐसी है जो MCA को अलाउ कर रही है, बाकी सभी 10 की 10 BTech को अलाउ करती है ना। तो ऐसा होता है कि आपको सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी जितनी बीटेक वालों को मिल रही है। प्लेसमेंट में भी ऐसा होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, प्लेसमेंट में काफी ज्यादा कंपनी अलाउ करने लगती है लेकिन बीटेक के कंपेयर में कम ही करती है, तो हाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद शोनू साहू का भी सेम क्वेश्चन था, बीटेक और MCA स्टूडेंट को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नहीं मिलती। उसके बाद रीता खातिक की अगली एक्सपेक्टेशन है फेस्ट एंड अबाउट स्टडीज एंड प्लेसमेंट, ये मैंने आपको सभी बताई दिया। फेस्ट वगैरह होते हैं इस कॉलेज का जिसमें मैं हूँ अभी NIT इलाहाबाद में, इसका फेस्ट होता है कलरव, जिसमें बहुत 4-5 दिन चलता है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो फेस्ट वगैरह होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है BCA गुरुकुल की तरफ से, भाई इस बात को जरूर बताना कि हर किसी का प्लेसमेंट हो जाता है या नहीं, जैसे अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है तो सबका प्लेसमेंट हो जाता है या कुछ लोग रह जाते हैं। तो यार अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप सब डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 3 साल रहकर आपने सीखा है, आपकी मतलब आपको नॉलेज है, आपने मेहनत की है, तो ही आपका प्लेसमेंट लगेगा। अगर आपके माथे पर NIT का टैग लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी आके सीधा आपको उठाकर ले जाएगी, कंपनीज आएंगी फिर वो आपकी स्किल्स देखेंगी, अगर आप कैपेबल हैं तो वो आपको लेंगी वरना नहीं लेंगी। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं NIT इलाहाबाद की, तो यहाँ पर भी 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ, 84% कुछ हुआ था, है ना। तो वो भी मतलब आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, अगर आपको आता है तो आपको पक्का जॉब मिलेगी, अगर नहीं आता तो फिर केवल NIT में आ जाने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली, है ना, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यन शर्मा का क्वेश्चन है प्लेसमेंट एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ का तो होता ही होगा। नहीं भाई, कोई गारंटी नहीं है कि 1 लाख पर मंथ का हो जाएगा, आप ही पर डिपेंड करता है, आपने अपने आप को कितना बिल्ड किया है इन 3 सालों में, कितनी कोडिंग सीखी है, कितना DSA सीखा है, कितनी डेवलपमेंट की है। अगर आप कैपेबल हैं तो आपको 1 लाख पर मंथ क्या 2 लाख पर मंथ 3 लाख पर मंथ भी मिलेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की तो एटलीस्ट 2 लाख केस तो नहीं होने वाला, है ना। उसके बाद शुभम ठाकुर का अगला क्वेश्चन है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियन इन NIT त्रिची एंड वी आर फ्री टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, ओके। उसके बाद शम्मुख कुमार, गैप की प्रॉब्लम नहीं आती होगी, नहीं आती यार गैप की प्रॉब्लम तो आपको नहीं आने वाली, गैप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो जो भी कंपनीज आएंगी वो आपकी स्किल्स देखेंगी, अगर आप कैपेबल हैं तो वो आपको लेंगे, है ना। उसके बाद सोलो मित्तल का क्वेश्चन है भैया प्लीज बताओ ना, आप भी NIMCET कोर्स लॉन्च कर दो यार, कोर्स वगैरह देखेंगे बाद में, अभी पढ़ लेते हैं।
उसके बाद श्रुति मालाकर कॉलेज फेस्ट, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, साजलगर प्लेसमेंट्स, ये भी बताया। उसके बाद स्ट्रेंजर एंड हैरमिट की एनआईटी में जाके लाइफ सेट है, एक बार मिल जाए उसके बाद लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, देखो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, केवल वजह बदलेंगी, प्रॉब्लम्स तो आना ही है ना। कोई भी आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, प्रॉब्लम आनी ही है। आप बड़े लेवल पर चले जाओगे तो कुछ नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो प्रॉब्लम आने ही वाली है, केवल एनआईटी में घुस के सब सेट नहीं हो जाएगा। बल्कि आप यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखेंगे जो एकदम डिप्रेस्ड है, मतलब पागल पड़े हुए हैं पढ़ने के पीछे, क्योंकि मतलब जब वो कॉलेज में आए तो यहाँ पर कम से कम 5.5-6 लाख तो फीस ही लग जाएगी, तो वो भी लोन लेकर आए हुए हैं, तो एकदम माइंड में एकदम प्रेशर बना रहता है कि ये लोन भी चुकाना है, जॉब भी चाहिए। कई सारे बच्चों को डीएसए समझ में नहीं आता, तो काफी सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आप घुस गए तो लाइफ सेट, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ आकर। या अगर आप मतलब अगर पहले सेमेस्टर से आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दी तो आपके लिए इतना टफ नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने 1 साल थोड़ी मजे मजे में गुजार दिया तो आपको थोड़ी फिर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपके दिमाग में थोड़ा प्रेशर रहेगा, वरना इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मतलब इजी सिंपल लेकर चलोगे और पढ़ते रहोगे, साथ में अपनी लाइफ एंजॉय करते रहोगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने 1 साल अपना बर्बाद कर दिया मजे मजे में घूमने के चक्कर में, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो यार यही कुछ कॉमन एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की रहती हैं कॉलेज को लेकर, प्लेसमेंट और कि कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यही सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा आपको दिमाग में ये नहीं रखना है प्लेसमेंट को लेकर, पैकेजेस को लेकर, कि आपको 1 लाख पर मंथ मिल जाएंगे, वो आप सब आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। जितना आप अपने आप को बिल्ड करेंगे उतना ही अच्छा आपको प्लेसमेंट आपके होंगे, उतना ही अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। तो आई होप आपको आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।